गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। आई डॉक्टर विनोद कुमार बैरवा, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, गवर्नमेंट कॉलेज बांदुकी। आई एम हियर टू टीच बी अबाउट सेकेंड ईयर्स फर्स्ट पेपर स्टिंग्स ऑफ पोएट्री। In this Strings of Gold, the collection of poetry is all about the Romantic era. The major poets in this era are mainly deployed in our BA Part Second Year's poetry. So, before to start BA Part Second Year's poetry, I would like to give a small information about Romanticism. Before to start Romanticism, I would like to give an era about Romantic period. The Romantic period is almost 1800 to 1890. It is an era of intellectual movement which was originated in, to say, Europe. It is a wonderful zone, or to say an era which understood broadly a break from the guiding principles of the Enlightenment, which established the region as the foundation of knowledge. The Romantic movement emphasized on the importance of emotional sensitivity and individual subjectivity. For the Romantics, imagination rather than reason was the most important faculty. Today, Romantic genre is mostly associated with the large-scale painting. To say, Romantic जो ईरा है जिसके बारे में अगर हम डिस्कशन करें तो पेंटिंग में बहुत बखूबी इसको दर्शाया गया है। हाउ एवर द मूवमेंट इन्फ्लुएंस द सेफरल डिसिप्लिन्स एंड द ब्रांचेज ऑफ स्टडी, कल्मिनेटिंग द लेगेसी एविडेंट इन विजुअल आर्ट्स एंड बियॉन्ड। द मेजर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिसिज्म आर, दीज आर द सिक्स मेजर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिसिज्म। These are the celebration of nature, focus on individual spirituality, celebration of isolation and melancholy, interest in common man, idealization of woman and personification, and pathetic fallacy. It is a wonderful thing to elaborate or hear जिन छह बात जो कि डिस्कशन रोमांटिक पोइट्री के अंदर ली गई है, उनमें जो पूरा फोकस है वो नेचर को लेकर के है, और नेचर के साथ साथ व्यक्तिगत जो शुद्धता है, स्पिरिचुअलिटी है, उसको यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो सेलिब्रेशन किया जाता है वो एकांतवाद का, या कह सकते हैं कि अकेलापन का, और उदासी भरे एटमॉस्फेयर को यहाँ पर बहुत क्लियरली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं पोइट्स। उनका जो इंटरेस्ट है वो कॉमन मैन के अंदर है, यहाँ पर इलीट फैमिलीज की तरफ नहीं है, इलीट वर्क की तरफ नहीं है। पूरी तरीके से अगर हम कहें कि रोमांटिसिज्म है, वो एक गडरिए के बारे में हो सकता है, किसान के बारे में हो सकता है, कॉमन मैन के लिए हो सकता है, लव बर्ड्स के लिए हो सकता है, नेचर के लिए हो सकता है, बट यहाँ पर कोई किंग्स क्वींस टू से नाइटली वंस के लिए नहीं है, एक आम आदमी के लिए है। और यहाँ पर पहली बार ऐसा लगा जहाँ पर कि वुमेन को आइडियलाइज किया गया है, उसको एक आदर्शता के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। इसमें निश्चित रूप से पर्सोनिफिकेशंस का बहुत अच्छे तरीके से यूज किया गया है, और जो फैलेसी की बात करते हैं, इट्स अ पैथेटिक फैलेसी। रोमांटिसिज्म के अंदर जो वेरी
इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि यहाँ हर चीज़ को खुल करके रिप्रेजेंट किया गया। लुक एट द पिक्चर विच हैज़ बीन शोन इन दिस ऑन द स्क्रीन, लुक एट डिफरेंट पीपल्स आर शोन इन दिस पिक्चर, सम आर लेइंग ऑन द ग्राउंड, सम हैड गन्स, आर्म्स, स्वॉर्ड्स एंड सो ऑन। लुक एट द क्लियर इमेज ऑफ अ वुमन, सी ऑल्सो बियर्स और सी ऑल्सो हैड अ राइफल इन हर हैंड एंड सी इज क्लियरली इंडिकेटिंग दैट नाउ आई हैव बीन नॉट चेन्ड, आई एम फ्री, आई जस्ट वॉन्ट टू फ्लाई इन द स्काई, आई कैन फाइट अगेंस्ट माई टू से अपनी अस्मिता के लिए, अपनी रक्षा के लिए मैं इस चीज़ के लिए उड़ सकती हूँ, मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर सकती हूँ। यहाँ पर कॉमन मैन से लेकर के ईच एंड एवरी वन के बारे में डिस्कशन दिया गया है। रोमांटिसिज्म को जनरली हम एक ऐसा तरीका कह सकते हैं जिसमें कि ये कहा जाता है कि पेंट को लेकर के स्पेशली है, हर चीज़ को बहुत बखूबी रिप्रेजेंट किया गया है। जो ये मूवमेंट का जो अर्ली साल की अगर हम बात करें, शुरुआत की बात करें, तो दीज फिगर्स प्रीडोमिनेंटली यूज द लैंडस्केप पेंटिंग। व्हाट डू यू मीन बाय द लैंडस्केप पेंटिंग? नेचर के बारे में, फाउंटेन, माउंटेन, टू से झरने, पहाड़, जंगल, नदी, नाले, ब्रूक्स एंड सेफर्ड्स आदि के बारे में है, जो कि कॉमन मैन की एक कॉमननेस को रिप्रेजेंट करता है। द रोमांटिक लैंडस्केप जेनरे वॉज प्राइमरली पायनियर्ड बाय जे एम डब्ल्यू टर्नर, द ब्रिटिश पेंटर। ही इज ऑल्सो नोन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और टू से द वेरी वेल नोन पेंटर इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, एंड हिज पेंटिंग्स आर शोल्ड वेरी हाई इन कॉस्ट। इन अर्ली हिज कैरियर टर्नर वॉज एसोसिएटेड विद न्यू क्लासिकल मूवमेंट, बट ए ट्रिप टू स्विस कंट्री स्पार्क द आर्टिस्टिक इंटरेस्ट इन नेचर विच मेटरलाइज एज एन इमेजिनेटिव एंड अनट्रेडिशनल अप्रोच टू पेंटिंग। टर्नर जो अपने आप में एक बहुत बड़े पोइट पेंटर के रूप में हमारे सामने उभर करके आते हैं, तो निश्चित रूप से उन्होंने ऐसा आपको क्लियरली बताया कि उनकी जो पिक्चर्स हैं वो पूरी तरीके से एक कॉमन मैन और नेचर को लेकर के लिखी गई, उकेरी गई हैं। अब बात हम अगर बात करें कि रोमांटिसिज्म को किस तरीके से हम इतना बेहतर बनाएं कि चीज़ें हमारे सामने क्लियरली निकल करके आए। रोमांटिसिज्म अपने आप में एक आंदोलन रहा कला और साहित्य के अंदर, जो कि 18 सेंचुरी से लेकर के 19 सेंचुरी के बीच का एक रिवोल्ट है, जो कि न्यू क्लासिकल जो प्रीवियस सेंचुरी थी उसके खिलाफ था। जर्मन पोइट्स फ्रेंच शेगल इज वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन, और टू से द क्रेडिट गोज टू शेगल हु यूज द टर्म romantic and describe literature, define it as a literary, or to say as defined it as literature depicting the emotional matter in the imaginative form. This is accurate, a general definition as can be accomplished, although Victor Hugo's phrase liberalism in literature is also apt. Imagination, emotion and freedom are the certainly, or to say the focal points of the romanticism. Romanticism के अंदर पूरी तरीके से जो हम कहें कि एक आज़ादी की बात करता है, फीलिंग्स की बात करता है, भावनाओं की बात करता है, कहीं पर भी यहाँ ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती है जो कि एक कॉमन मैन उस चीज़ को अटेंड नहीं कर सकता हो। अगर रोमांटिसिज्म के बारे में हम थोड़ा भी आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें हमको निकल करके सामने आती हैं कि एक जो उसकी लिस्ट की बात करें तो रोमांटिसिज्म के अंदर जो मेजर चीज़ें इंक्लूड की जा सकती हैं वो ये हैं कि ये एम्फेसिस, जैसा कि मैंने
पहली पिछली स्लाइड्स में आपको डिस्कस किया कि रोमांटिसिज्म के अंदर छह प्रमुख बातों के ऊपर फोकस किया जाता है, जिसमें व्यक्तिवाद, उन्मुक्तावाद, स्वतंत्रता के प्रमुख रूल को लेकर के चलती है, जिसमें एकांतपन जो कि जीवन के प्रति ज़्यादा संजीदगी से दिखाया गया है, सोसाइटी को यहाँ पर कम महत्व दिया जाता है। इन टू से द रोमांटिक लिटरेचर इट इंक्लूड्स अ सब्जेक्टिविटी एंड एन एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअलिज्म, स्पॉन्टेनिटी, फ्रीडम फ्रॉम रूल्स, सोलिटरी लाइफ रादर देन द लाइफ ऑफ सोसाइटी, द बिलीव्स दैट इमेजिनेशन इज सुपीरियर टू रीजन एंड डिवोशन टू ब्यूटी, लव एंड वर्शिप आर द नेचर एंड फैसिनेशन विद द पास्ट, स्पेशली द मिथ्स एंड द मिस्टिसिज्म ऑफ द मिडिल एज, इंग्लिश पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ, एस टी कॉलरिज, टू से द लॉर्ड बायरन, पी बी सैली, जॉन कीट्स, सम अमेरिकन पोइट्स ऑल्सो आर इन दिस स्ट्रीम, दोज आर एमर्सन, हॉथॉर्न, एलन पो, डेविड थ्रो, मेलविल एंड विटमैन एंड सो ऑन। द मेजर रोमांटिक पोइट्स आर टू से ऑलमोस्ट सेवन पोइट्स हैं। नंबर वन जिनकी शुरुआत की, अपन कह सकते हैं कि रोमांटिक मूवमेंट को हवा देने का काम जो किया, वो मूवमेंट ब्लैक से शुरू होता है। रोमांटिसिज्म को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला प्री रोमांटिसिज्म, सेकंड रोमांटिसिज्म एंड द थर्ड वन इज लेटर रोमांटिसिज्म। प्री रोमांटिसिज्म के अंदर हम थॉमस ग्रे और ब्लेक को ले सकते हैं, एंड रोमांटिसिज्म के अंदर हम वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज आदि को ले सकते हैं, और उसके बाद में जो लेटर में है कीट्स और सैली, और जो जर्मन जी जी बायरन है, बर्न्स है, इनको ले सकते हैं। बट जो रोमांटिक पीरियड और टू से कि जो मेजर रोमांटिक पोइट्स हैं, उनमें विलियम ब्लेक जो कि 1757 से लेकर के 1827 तक ऑलमोस्ट इन्होंने अपना लाइफ को लीड किया। आफ्टर हिम फॉलोड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ 1772-1850, आफ्टर दैट एस टी कॉलरिज, ही वॉज कंपनी टू से द कलीग ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ एंड एस टी कॉलरिज जॉइंटली राइट अ कलेक्शन ऑफ पोइम्स, द लिरिकल बैलेड्स एंड मैनी मोर। जॉन कीट्स 1795-1821, ही इज वन ऑफ द मोस्ट यंगेस्ट पोइट इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, हु रोट अ वंडरफुल पोइट्री इन रोमांटिक एरा। पी बी सैली, ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द डिसेंट पोइट हु डाइड इन द अर्ली एज ऑफ टू से 30। कीट्स वॉज द यंगेस्ट वन हु डाइड ओनली इन द एज ऑफ 26। बट ओवरऑल रोमांटिक एरा है अपने आप में एक लैंडमार्क है इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। जी जी बायरन वॉज ऑल्सो वन ऑफ देम, हु वॉज बोर्न इन 1788 एंड डाइड इन 1824। रॉबर्ट बर्न द लेटर रोमांटिक पोइट, हु वॉज टू से वॉज बोर्न इन 1659-1796, द अर्ली रोमांटिक वंस। टू से द बर्न, ब्लैक, वर्ड्सवर्थ, कोलरिज एंड लेटर वंस, ऑल दीज वंस
बर्न, ब्लैक, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, ये सब का पीरियड 1790 to 1830 के आसपास रहा। एंड इनके ग्रेटेस्ट वर्क्स जो इस दौरान लिखे गए, दीज आर द ग्रेटेस्ट एरा, द एज ऑफ रिवोल्यूशन। रोमांटिक एरा के बारे में हम जब डिस्कस करते हैं तो इसको हम एज ऑफ रिवोल्यूशन कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने इस ड्यूरेशन में रोमांटिसिज्म ने या रोमांटिक एरा ने सारी जंजीरों को, सोसाइटी को तोड़ करके एक नया लैंडमार्क एस्टेब्लिश किया। रोमांटिक पोइट्स वर ओनली ए स्मॉल पार्ट ऑफ मच लार्जर कल्चरल मूवमेंट। दिस मूवमेंट अफेक्टेड होल यूरोप एंड अमेरिका। द ग्रेट पेंटर सच एज डेविड एंड एनी मैनी मोर कंपोजिस द बिगेस्ट आइडियाज एंड टू से प्रजेंट ग्रेट एटमोसफियर। बिफोर टू स्टार्ट द रोमांटिक पोइट्स, आई वुड लाइक टू गिव अ डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फिगर इन विच टू से रेवोल्यूशन बिगिन्स विथ वन ऑफ द टू से इट इज डिफरेंट वे विच इज गोइंग टू से जो एक राह चल रही होती है उससे हट करके एक नया एक लैंडमार्क एस्टेब्लिश करते हैं उसके लेकर के यहाँ पर है। रिवॉल्यूशन किसी भी चीज़ का हो सकता है, जो चीज़ें सोसाइटी में हैं उनको हट करके एक नया आपको चीज़ को रिप्रेजेंट करना चाहें, तो वो निश्चित रूप से इसके बारे में आपके सामने आ सकता है। तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में कहा जाता है कि इट वाज एक्चुअली स्टार्टेड 1789 एंड इट इज ऑलमोस्ट टू से इट वाज द बिगनिंग। एंड जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है इसने दुनिया की दिशा और दशा दोनों को कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया। ये एक राइट था जो कि मैन एंड द सिटीजन्स को लेकर के था, जिसमें आज़ादी की बात कही गई थी। रिवोल्यूशनरी फैक्ट्स जो थे वो चेंज से अनचेंज होने का था। फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑलमोस्ट इट वाज कंटिन्यू टिल 1799। इसमें न्यू पॉलिटिकल आइडियाज जनरेटेड हुए फ्रॉम दीज वॉर्स, एम्फेसाइज इक्वलिटी, ब्रदरहुड सेफ लिबर्टी टू से फ्रीडम, इक्वलिटी, राइट टू एक्सप्रेस, राइट टू स्पीक, राइट टू लिव, राइट टू ऑल द इट वॉज अ रिवोल्यूशन अगेंस्ट कॉमन मैन्स राइट्स। द रेवोल्यूशन वॉज प्रोमिस्ड अ ग्रेट फ्यूचर फॉर आर्ट, ह्यूमैनिटी इन अ फ्री सोसाइटी। दिस एक्साइटेड द रोमांटिक पोइट्स एंड रिफ्लेक्टेड इन द थीम ऑफ देयर पोइट्री, स्पेशली इन द पोइम्स ऑफ ब्लैक, वर्ड्सवर्थ एंड सैली। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने जो दिशा और दशा दी उसमें वही छह चीज़ें फिर दोबारा से निकल करके आई जो कि रोमांटिक पोइट्स की सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक थी, सिग्निफिकेंट उनके आइडियाज थे। द फीलिंग ऑफ एम्पथी, समानता का भाव, किसी को दुख नहीं देना, किसी को तकलीफ नहीं देना, पूरी तरीके से एक ऐसा माहौल रिप्रेजेंट करना जिससे कि हर एक को लगे कि उनके साथ समानता का व्यवहार हो रहा है। रेस्पेक्ट फॉर द पीपल ऑफ द लोअर इकोनॉमिकल और लोअर इकोनॉमिक क्लासेस, यहाँ गरीब है उसके प्रति भी उतना ही सम्मान है, अमीर है उसके प्रति भी उतना ही सम्मान है, और जो कॉमन मैन है उसके प्रति भी उतना ही सम्मान है। पीपल आर जनरली गुड इवन दो सोसाइटी कैन बी क्रूअल एंड डिग्रेडिंग।
डिग्रेडिंग सोसाइटी व्यक्तियों के प्रति किसी भी तरीके की दुर्भावना रख सकती है, सोच रख सकती है, लेकिन जो ये मूवमेंट था फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था और उससे जो सिक्स सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिक पोएट्री जो हैं, ये पूरी तरीके से लाइफ को बदल देने वाली थी। यहाँ पहली बार एक आम आदमी को लगने लगा कि उसका जीवन जो है वो पूर्णतः एक अर्थपूर्ण है और कहीं किसी तरीके का उसको एक हल्कापन या कमजोरी नज़र नहीं आने लगी। लव टुवर्ड्स नेचर था, ड्राइंग के प्रति एक इंस्पिरेशन, और जिससे कि कंट्री साइड एंड अदर रूरल लैंडस्केप को अब यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाने लगा। एक किसान, एक सेफोर्ड, एक 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 कॉमन मैन, एक जो पुअर मैन है उसको अपनी अहमियत पता लगने लगी कि हाँ उसके बारे में भी, उसका भी कोई जीवन है। उससे पहले का जो लाइफ स्टाइल था वो इट वॉज वेरी वेरी टू से गुलामी भरा था, और एक आम आदमी के बारे में इस तरीके का कोई डिस्क्रिप्शन सामने नहीं आ रहा था। हर एक जो एटमॉस्फेयर था वो पूरी तरीके से तकलीफ देने वाला था। यहाँ पर फीलिंग्स के ऊपर बहुत दबाव दिया गया, एम्फेसाइज ऑन द फीलिंग्स, नॉट हाइडिंग इमोशंस, इमोशंस को क्लियरली रिप्रेजेंट करने की बात करते हैं, छिपाने की बात नहीं करते। यहाँ पर बोला है कि आप अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को क्लियरली ओपन अप होने दीजिएगा, हर चीज़ को खुल करके बताइएगा, डीप इंटरेस्ट इन द इरेशनल, द सुपरनेचुरल एंड हॉरर, चीज़ें मिस्टिसिज्म के भी लेकर के बहुत इंटरेस्ट आने लगा। चीज़ों को दिखाने के लिए लोगों को एक रहस्य में, नेचर के प्रति लोगों का एक जो इरादा था जो कि नेचर इज अ मिस्टिसिज्म, द फुल ऑफ मिस्ट्रीज, तो उसके प्रति अब जागृति होने लगी, लोगों को लगने लगा कि हाँ नेचर भी कोई एक पार्ट है। इमेजिनेशन इज अ रेयर गिफ्ट दैट सीज इज द मोमेंट, निश्चित रूप से जो इमेजिनेशन है वो अपने आप में एक लैंडमार्क एस्टेब्लिश किया रोमांटिसिज्म के लिए, जहाँ पर कि रोमांटिसिज्म एक तरीके से रुक करके रह गया, सीज करके रह दिया उसको। इस दौरान जीवन इतना आसान नहीं था पोइट्स का, इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट पीरियड फॉर द पोइट्स हु वर इन दिस जोन, और टू से रोमांटिक जो पीरियड के पोइट्स थे उनका आसान जीवन नहीं था। वन ऑफ द की आइडिया ऑफ द रोमांटिक पोइट्स वाज रिस्पेक्ट फॉर द सिंपल पीपल, जो पोइट्स जितने भी हुए उनका एक ही मोटो था कि कॉमन मैन के प्रति सच्ची श्रद्धा, श्रद्धांजलि, टू रिस्पेक्ट, टू पे होमेज टूवर्ड्स द कॉमन मैन एंड अनएजुकेटेड कंट्री फोक विच दे अपहेल्ड टू बी मोर नोबल ऑनरेबल देन द रिच वंस, कि ठीक है एक पैसे वाले को, रिच को, पावरफुल पर्सन को तो हर कोई रिस्पेक्ट देता है, एक कॉमन मैन को अगर रिस्पेक्ट मिलेगा तो निश्चित रूप से ये उनके लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी, और एक आम व्यक्ति जो है, आम व्यक्ति को ये एहसास होने लगा कि हाँ उसका भी अपना कुछ वजूद है और इस सोसाइटी के अंदर उसका भी एक अपना महत्व है। पहली बार रोमांटिक पोइट्स ने एक कॉमन व्यक्ति को इस चीज़ का एहसास दिलाया कि हाँ आपका होना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम आपके ऊपर नहीं है बल्कि आप हम सबके ऊपर हैं। इसमें आप एक सीरीज के रूप में अगर ले सकते हैं तो चाहे कॉलरिज को ले लीजिएगा, वर्ड्सवर्थ को ले लीजिएगा, शेली को ले लीजिएगा, सब कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से अपने एक रिस्पेक्ट टूवर्ड्स कॉमन मैन रिप्रेजेंट करते रहे, जिसमें वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज, माना कि दे वर एजुकेटेड इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, बट इसके साथ साथ आप देखिएगा कि सैली ऑक्सफोर्ड में, कीट्स ट्रेंड इन एज ए सर्जेरियन, ब्लैक अटेंडेड द रॉयल अकेडमी ऑफ द आर्ट्स प्राइवेट इंस्टीट्यूट ऑफ लंदन, जो जी बायरन जो थे वो अटेंड ट्रिटनी कॉलेज विच इज़ द मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉलेज ऑफ इंग्लैंड, बर्न हेल्ड द स्कॉटलैंड एंड वॉज द
ओनली कंटेम्प्ररी पोइट हुज स्कूलिंग एंड बैकग्राउंड वॉज नॉट एज लेविस एज द अदर वंस. बिफोर टू गिव द डिटेल डिस्क्रिप्शन अबाउट द पोइट्स, आई वुड लाइक टू गिव सम शॉर्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द मेजर रोमांटिक पोइट्स जिन्होंने कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से इन्फ्लुएंस्ड होकर के रोमांटिसिज्म के पूरी तरीके से डायरेक्शन एंड कंडीशन दोनों को एक नई हवा दे दी. वर्ड्सवर्थ वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग एंड डिमांडिंग पोइट हैं जो कि रोमांटिसिज्म के हैं. मैनी बिलीव्स दैट वर्ड्सवर्थ वॉज बॉर्न इन 1757 एंड डाइड ऑलमोस्ट और टू से एग्जैक्टली 1827 टू बी वन ऑफ द इंग्लैंड्स ग्रेटेस्ट पोइट. विद अर्ली इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स ही वेंट टू फ्रांस ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन 1791 to 92 एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन वॉज ऑलमोस्ट 1789 to 1799. एंड इन दैट पर्टिकुलर पीरियड वर्ड्सवर्थ विजिट और टू से ही मीट विद द पीपल ऑफ टू से द हाईलैंड लास एंड मैनी अदर फिगर्स जो कि उन्होंने अपनी पोइम सॉलिटरी पर एंड मैनी अदर्स पोइम्स के अंदर रिप्रेजेंट किए. दो वर्ड्सवर्थ अपनी सिस्टर डोरोथी के साथ में इस विजिट पर था. यहाँ बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करना उनके बारे में संभव नहीं है, बट इतना क्लियर है कि वर्ड्सवर्थ फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान अपनी सिस्टर को लेकर के और कोलरिज उनकी कंपनी में थे, उनके साथ में उन्होंने एक बार विजिट जरूर किया था. लुक एट, उन्होंने जो वहाँ का टेरर जो देखा जैकोबियन पीरियड का, उसको लेकर के उनके जो विचार थे पूरी तरीके से रिवोल्यूशनरी हो गए. अनटिल टू से द राइजेज ऑफ नेपोलियन वर्सेस वाज अ फर्म बिलीवर इन द बेनिफिट्स ऑफ द रिवोल्यूशन. ऑब्वियसली मे बी द कंटेम्प्रेरी कंडीशंस वुड हैव बीन सच कि वर्ड्सवर्थ को एक ऐसा आइडिया आया, उनको लगा कि ये जीवन जीवन नहीं है, इसमें एक बदलाव होना चाहिए, एक रिवोल्यूशन होना चाहिए. और वो रिवोल्यूशन निश्चित रूप से पूरा न केवल वर्ड्सवर्थ को बदला, बल्कि एक उन्होंने एक दिशा और दशा दोनों को बदल दी. ही रिटर्न्स टू इंग्लैंड एंड मूव टू द लेक्स डिस्ट्रिक्ट वेयर ही मीट हिज फ्रेंड एस टी कॉलरिज. कॉलरिज द क्लोज इंटीमेट फ्रेंड ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, ही ऑल्सो बॉर्न इन 1772 एंड डाइड इन 1834, वॉज द मोस्ट प्रोडक्टिव एंड इन्फ्लुएंसिव ऑफ द रोमांटिक पोइट्स. ही रोट हिज बेस्ट वर्क्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्रेंडशिप विद विलियम वर्ड्सवर्थ. हिज पोइम्स कुबला खां कंपोज इन 1797 वॉज इंस्पायर्ड बाय द ओपियम इंड्यूस्ड ड्रीम. एक सपना लेना और किस तरीके से सपने में खो जाना, ये कुबला खां वन ऑफ द मोस्ट परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एस टी कॉलरिज का है. विच स्टिम्युलेटेड कॉलरिजेज इमेजिनेशन. अनफॉर्चुनेटली ओपियम बिकम कॉलरिजेज फिक्सेशन फॉर द पीरियड एंड ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉयड हिज फ्रेंडशिप विद विलियम वर्ड्सवर्थ एज इट डिड हिज मैरिज एंड हेल्थ. आफ्टर दैट Keats is one of the leading poet of romanticism. It is said about that Keats and Sally died tragically at their early age. Keats 1795 to 1821, the span of his period was almost 26 years. He resigned his position as a surgeon after finding it impossible to perform operation on a people who were cognized
ऑफ देयर पेन। लुक एट, कोई व्यक्ति जिसने कि सर्जन का ट्रेनिंग लिया हो, इतनी कठिन पढ़ाई की हो, और उसके बाद में उस पीड़ा को देख करके आदमी का जो नज़रिया है वो बदल गया और उन्होंने अपना पेशा ही डिफरेंट चूज कर लिया, वो सर्जन से पोइट बन जाते हैं। ही मूव्ड टू इटली होपिंग वार्मर वेदर माइट इम्प्रूव हिज हेल्थ। इन इटली ही वॉज इंस्पायर्ड टू राइट हिज ग्रेटेस्ट वर्क। ही सकम्बल टू ट्यूबरकुलोसिस इन द एज ऑफ 30। ही डाइड बिकॉज ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। ही गॉट टीबी एंड टू से इन अर्ली एज ही बिकम वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग पोइट इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड ही इज अ मेजर रोमांटिक पोइट। जी जी बायरन, लॉर्ड गैरार्ड बायरन, कंसिडर्ड वन ऑफ द इंग्लैंड्स ग्रेटेस्ट पोइट 1788 to 1824, was born into English aristocracy. He was not belong from a very common family. He belongs from an aristocracy. He born in elite family. Prior to his self exile in 1816, he lived in a flamboyant life in London, filled with numerous love affairs, indulgent parties and scandalous rumors about his love interest. Byron left England for Italy to escape the castigations of England society. It was here he met Sally, though Mary and her sister Claire. He also had love affair with them. Like Wordsworth, Gardner became embroiled in the revolutionary politics, joining the Greek War of Independence. William Black, the early, to say the great one, he was born in 1757 and died in 1827, was not a popular poet of his time. His works entered into public recognition in the early 20th century. Most of Black's life was lived in poverty of South England. Like most of romantic poets, Black had eccentric manner. Believing himself to be the Christian prophet and visionary, he used poetry and painting to share his religious message. A message his readers often found confused and bewildering, as his works were original and distinctive. Blake की अगर आप पोइम देखेंगे या पढ़ेंगे लंदन, तो आपको लगेगा कि हाँ, रियली उन्होंने कॉमन मैन के बारे में लिखी है। इट मे बी अबाउट द चिमनी स्वीपर्स, द सोल्जर्स, द शार्लेट एंड so many examples. These are the examples who represent the social failures, the failure of the society, where a man, look at the soldier who always martyr his life, or to say he completely sacrifices his life, whole life, in the security of the food, or to say the kingly services. But later what happens? He has been, or to say he is punished by the royal ones, the kings. So now soldier had no faith in life. He says, no, maine jeevan ke prati apni aasha ko tyag diya hai. चिमनी स्वीपर को देख सकते हैं, जो चिमनी स्वीपर बॉय है, जैसे चिमनी को स्वीप करता है, साफ करने की कोशिश करता है, उसकी बॉडी का कोई भी पार्ट चिमनी में जब टच करता है, तो वॉर्म चिमनी को टच करता है, तो ही क्राइज। इट इज ऑल्सो हॉरिबल। लुक एट द क्राई ऑफ शार्लेट द होरे, इट इज ऑल्सो बिगेस्ट वन। दूसरे विलियम ब्लैक जो हैं, एक कॉमन मैन के जीवन को रिप्रेजेंट करते हैं। रॉबर्ट बर्न स्कॉटलैंड के ग्रेटेस्ट पोइट और लिरिसिस्ट हैं। ही वॉज बॉर्न इन 1759 एंड डाइड इन 1796। इनका जो
पोइटिक इन्फ्लुएंस इनके ऊपर रहा है। वर्ड्सवर्थ, कोलरिज और सेली का रहा है। हिज पोइटिक थीम्स लाइक इंग्लिश कंटेम्प्रेरी रोमांटिक पोइट्स टच ऑन पुअर्टी, क्लास इक्वलिटी, इनइक्वलिटीज एंड रेडिकल रिफॉर्म्स को लेकर के इन्होंने बहुत वर्क किया है। बर्न की जो पोइम्स हैं वो इस बात को और क्लियर करती हैं कि वेराइड इमोशनल लैंडस्केप विच हैज बीन एट्रिब्यूटेड टू द मेंटल डिप्रेसिव स्टेट के बारे में बहुत क्लियर बताता है। बर्न जो है अपने स्वास्थ्य, खराब स्वास्थ्य के कारण बहुत जल्दी 36 की एज में आकर के मर जाते हैं और एक अच्छे व्यक्ति का यहाँ से जाना हो जाता है। सैली लुक एट द वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चार्मिंग फेलो ऑफ द रोमांटिक पोइट्स। ही बॉर्न इन 1792 एंड डाइड इन 1822, ऑलमोस्ट 30 years स्पेन। हिज लाइफ वॉज ट्रेजिक। नॉट ओनली ट्रेजिक टू से, इमोशनली वो बहुत चार्ज थे, जीवन के प्रति बहुत आशान्वित थे, बट जो उनका जीवन है बहुत आसान नहीं रहा। लाइफ वॉज टेकन ट्रेजिकली इन ए स्टॉर्म व्हाइल सेलिंग हिज स्कूनर इन इटली। जब वो स्कूनर चला रहे थे तो उनके साथ में एक ट्रेजडी हुई। सैली लिव्ड an emotionally charged life, expelled from Oxford, writing and distributing an essay supporting atheism. Sally chose to live on the whim of emotions. He eloped to Scotland with his first wife, Harriet, at the age of 19. Harriet was just of 16. He saw his role in their elopement perhaps as that of a knight of shining armor rescuing the young students from a life she abhorred. Sally was not content with his marriage and continued to have other female dalliances. Sally married Mary Wollstonecraft, better known as Mary Shelley, famous author of the Gothic novel. With friends, they traveled abroad and met up with Lord Byron. They were the great important poets of Romantic era. अब एक summary के रूप में अगर हम बात करें तो Romanticism एक ऐसा literary movement था जो 1800 शताब्दी के ख़त्म होते होते शुरू हुआ और ऑलमोस्ट जो इसकी अंत हुआ वो 19th सेंचुरी के मिड में जाकर के हुआ। इसने बहुत कुछ लोगों को इन्फ्लुएंस किया, मार्क्ड बाय द फोकस ऑन द इंडिविजुअल, रेस्पेक्ट फॉर द नेचर एंड द प्रिमिटिव एंड सेलिब्रेशन ऑफ द कॉमन मैन। Romanticism can be seen as a reaction of huge changes in society that occurred during the period, including the revolutions that burned through country like France and the United States, ushering in grand experiment in democracy. Romanticism, no doubt, अपने आप में एक ऐसा स्केल रहा जिसको लेकर के एक लैंडमार्क हुआ, चेंजेज हुए, जीवन बहुत आसान हो गया। तो रोमांटिक पोइट्स जितने भी रहे उन्होंने कॉमन मैन के बारे में सोचा, कॉमन मैन के बारे में चर्चा की और रोमांटिक मूवमेंट अपने आप में एक सोसाइटी को आईना दिखाने वाला था कि जो एक दिखावा है, बूस्ट ऑफ हेराल्ड्री है, उसको बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे ला के रखा कि एक आम आदमी अगर है तो जीवन है,
अगर वो नहीं है तो जीवन नहीं है। आप जो इलीट फैमिलीज हैं, जो नाइटहुड मैंस हैं, जो रॉयल्टीज हैं, जो किंगशिप्स हैं, ये सब ऑल आर बिकॉज ऑफ कॉमन मैन। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द टॉप प्रायोरिटी शुड बी द कॉमन मैन। इफ़ यू रिस्पेक्ट कॉमन मैन, यू विल फाइंड ग्रेट हैप्पीनेस एंड टू से द ग्रेट अपॉर्चुनिटीज यू टू से प्रोग्रेस डे एंड नाइट। नो डाउट समबडी सेज दैट कि किसी भी चीज़ को पाने के लिए इतनी शिद्दत से मेहनत कीजिए कि वो आपकी अपनी होके रह जाए। किसी ने बहुत क्लीनली कहा है कि पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, और मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। बहुत क्लियर मैसेज है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, मतलब बहुत क्लियर है कि अगर एक आम आदमी का हौसला बुलंद होगा तो निश्चित रूप से वो हमारी सोसाइटी को बहुत हाइट्स पर ले जा करके रखेगा। थैंक यू वेरी मच, इट हैज़ बीन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस विथ द ईयर ऑफ द फेलोज, एंड नाउ आई वुड लाइक टू कंक्लूड माई और टू से वुड लाइक टू एंड माई लेक्चर with this one. Okay, thank you.